नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। पाकिस्तान मोबाइल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो एक मोबाइल डिवाइस समिट मैन्युफैक्चर समिट पेश किया गया इस्लामाबाद के मेरिट होटल में, उसकी गूंज पूरे पाकिस्तान में गूंज रही है और बड़ा कामयाब और बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया गया। इसके मुतालिक प्रोग्राम्स के हवाले से कुछ एक दो वीडियो हैं जिन्हें आप कि क्या उसके अंदर जो है मेड इन पाकिस्तान के नाम से जो हॉल लगाया गया था उसमें क्या होता रहा और इसमें शिरका इसके साथ जो है वो मारूफ बिजनेसमैन और मोबाइल इंडस्ट्री की शख्सियत मुजफ्फर हयात पर अच्छा क्या कहते हैं, जो एलिंक के सीईओ भी हैं और टेक्नो पाकिस्तान के जीएम या कर्ता धर्ता अदील ताहिर साहब क्या कहते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में, आप पहले उन दोनों के पैगाम देख लीजिए, उसके साथ उस प्रोग्राम के मुतालिक जो इनेकाद किया गया कि वो क्या तवक्कुआत करते हैं। इसके अलावा आपको दीगर वीडियोस भी लास्ट में मिलेंगी। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ऐसे प्रोग्राम पाकिस्तान में जिसके अंदर इंतहाई जो पाकिस्तान की टॉप क्रीम हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जो तैयार करने वाले हैं इंडस्ट्री के, 31 अब तक असम्बलिंग प्लांट को लाइसेंस जारी किए गए हैं, उसमें से कुछ गैर फाल भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उसकी बुनियादी वजह यह है कि एलसीज और जो मुतालबा था पेश किया गया और ये दावा भी किया गया जो कि बज़ाहिर ठीक नज़र आता है कि अगर हुकूमत जो मराद बांग्लादेश में, जो मराद हिंदुस्तान में, जो मराद वियतनाम में, जो मराद चाइना में दी जाती हैं अपने मोबाइल इदारे जो उनके यहाँ काम करते हैं उनको, तो पाकिस्तान जो अफ्रीकन ममालिक के साथ साथ दुबई में बहुत बड़ी तादाद में मोबाइल एक्सपोर्ट कर सकता है। वहाँ मराद बहुत ज़्यादा दी जाती है, पाकिस्तान में मराद भी कम ली जाती है। यहाँ ये भी एक उस दौरान इस नाचीज से कुछ इदारों के सरबराहों ने बात की कि हम, और उन्होंने स्टेट गवर्नर स्टेट बैंक को भी जो है वो भेजी हुई है जो बाखबर ज़राए कह रहे हैं कि हमको आप इजाज़त नामा दें, हम एक्सपोर्ट की पहले गारंटी दे रहे हैं, तो एक बड़ी ख़तरनाक बात है कि उन्हें नहीं दिया जा रहा। ज़र मुबादला की पाकिस्तान को ज़रूरत है, वो ये कहते हैं कि जनाब हम, आप हमें इजाज़त नामा दें, आपसे हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें पहले ही ऑर्डर मिला हुआ है और हम एक खतीर रकम पाकिस्तान लेकर भी आएंगे। तो गवर्नर स्टेट बैंक और इसी तरह पीटीए, इसी तरह जो इदारे हैं इंजीनियरिंग डेवलपमेंट वर्क्स जो काम कर रहा है, तो वो मिलके कोशिश करें और इजाज़त नामा दिखाए दिलाए इनको। इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूं कि उनके दावे हैं कि अरबों रुपए का सरमाया हम पाकिस्तान गैर मुल्की ला सकते हैं अगर हमें इजाज़त नामा दें, रोज़गार भी, जो कि बज़ाहिर ठीक बात है कि हम बड़ी तादाद में दे सकते हैं और इस फील्ड से वाबस्ता लोग तेज़ी से अपने कारोबार को समेट रहे हैं, कारोबार ना होने के बाइस उनको इजाज़त नामा मिलना चाहिए। इस प्रोग्राम में जहाँ आप एक बड़े 3 सेशन में ये प्रोग्राम किया गया और बहुत बड़ा प्रोग्राम सुबह से लेकर शाम तक जो है ये प्रोग्राम चला, और इस मौके पर मखदूम जो हमारे मोहतरम हैं मुर्तज़ा साहब, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, बड़े उनका शुक्रगुजार भी है। ये नाचीज़ भी बड़े मिलनसार, बड़े अच्छी शख्सियत थे, इसी तरह पीटीए के नुमाइंदे, ईडीबी के नुमाइंदे और दूसरे जितने सरकारी अहदेदार मौजूद थे, 7 मोबाइल असम्बलिंग प्लांट के मालकान, वो काबिले सताइश है। यहाँ इस मौके पे जो इनकी कमेटी थी पाकिस्तान मोबाइल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की, जिसमें
उनके चेयरमैन हाजी अब्दुल रहमान साहब थे, उनके सीनियर वाइस चेयरमैन मुजफ्फर हयात पराचा थे, और नायब चेयरमैन जो थे, वाइस चेयरमैन जिसे कहते हैं, वो आप आमिर अल्लावाला साहब, और डिप्टी चेयरमैन जो थे रिशान मियानूर, इनकी काविशे और मेहनत को आप ज़बान से अदा नहीं कर सकते। बड़ी मेहनत की है इन चारों शख्सियात ने, इनके साथ दूसरे लोग भी शरीककार यकीनी तौर पर थे, और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा किया। तला असलम जो इवेंट मैनेजमेंट के तहत चला रहे थे इस प्रोग्राम को, उनका भी बहुत ज़्यादा अमल दखल रहा खूबसूरत प्रोग्राम करने में। यहाँ जो मारूफ शख्सियात ने इसमें शिरकत की, असम्बलिंग प्लांट के मालकान तकरीबन सभी मौजूद थे, और उनको अवार्ड से भी नवाजा गया एसोसिएशन की जानिब से, इसी तरह वफाकी वज़ीर और आला सरकारी अहदेदारों को भी दिया गया। उसी में जो शिरकत की उनमें मारूफ शख्सियात में फैसल मोती साहब थे, आरिफ शफीक साहब थे, हमजा रशीद साहब थे, इसी तरह रिशान यूसुफ साहब थे, उस्मान सुल्तान साहब थे, और ज़िशान कुरैशी साहब थे डिप्लॉय की तरफ से, और इसी तरह बहुत सारी शख्सियात ऐसी थी जिसमें ज़िशान अमानुल्ला भी थे, इसी तरह सैमसंग से सलमान साहब थे, सज्जाद साहब थे, और बहुत सारी नाम बज़ाहिर हाथ नहीं आ रहे जहन नहीं, क्योंकि इतनी सारी शख्सियात थी उन्हें याद रखना भी एक मुश्किल काम था। इब्राहिम साहब थे डिजिट वाले, अपने जो जो इनके सीईओ हैं डिजिट के, उनके हमरा, लेकिन वो तो असम्बलिंग प्लांट के मालकान हैं, इस वजह से फर्दन फर्दन सब के नाम नहीं ले सकता मैं, इस वजह से उन सब के लिए मैंने कह दिया कि वो मालकान मौजूद थे। इसके साथ जो कुछ और शख्सियात भी थीं जिसमें आप समझ लें उन्हें जावेद थे, और जो इन्फिनिक्स के दूसरे हमारे दोस्त हैं मुजम्मिल अथर थे, शाहजेब अथर थे सॉरी, और दीगर कई हमारे शख्सियात थे जो मौजूद थे। ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है जो ऑर्गेनाइज़ किया गया, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, और इस प्रोग्राम के बाद अब वो गवर्नर स्टेट बैंक से ही ये कमेटी मुलाकात करेगी। उम्मीद की जा रही है कि महीना जब शुरू होगा तो अच्छी खुशखबरी दोस्तों को मिलेगी जो इंतहाई परेशान हालत में हैं, तो प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिए। हुकूमती इदारे, वफाकी वज़ीर साहब, आज डॉलर आसमान पर पहुँच गया है, वो आपको पता चल गया होगा कि ज़रा सी वो हटाई गई तो एक ही जंप में उसने आज के दिन ही 25 रुपये क्रॉस कर लिए। कल गुज़िश्ता रोज़ भी बढ़े थे दाम, लेकिन आज तो ब्लैक मार्केट की जगह ओपन मार्केट में डॉलर इतने का पहुंच गया, और ब्लैक मार्केट में यानी ओपन मार्केट में डॉलर अवेलेबल ही नहीं था। तो अब देखिए कहाँ कहानी रुकती है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, और आपको ये भी बताता चलूँ कि अब वीडियो आपको जो है मज़ीद देखनी है, और ये वीडियो देखिए। इसी के साथ फी अमान अल्लाह।